नमस्कार दोस्तों, आपका स्टोर शो में स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम छेड़ने वाले हैं, जो डिस्कशन हम करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लाइफ के लिए। और जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये वीडियो नहीं बनाई गई है। सही में आप ये पता लगा सकते हैं कि कैसे निफ्टी को टॉप में बेचा जाए और बॉटम पे खरीदा जाए। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। लाइफ में कई बार क्या होता है कि कुछ सिंपल चीज़ें जो होती हैं, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते, बट कॉम्प्लेक्स चीज़ों में हम फंसे रहते हैं और वहाँ पे सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो सही चीज़ें होती हैं वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में अवेलेबल होती है, अगर हम उन्हें सिंपल तरीके से ढूंढने की कोशिश करें। तो आइए हम ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम ये जानेंगे कि कैसे आप निफ्टी को टॉप में बेच सकते हैं और बॉटम पे खरीद सकते हैं। देखिए, एग्जैक्टली अगर मैं ये कहूँ कि ये कुछ हद तक इम्पॉसिबल है, ये कहना गलत है। कोई भी यदि ये कहता है कि मैं ये बता सकता हूँ कि टॉप कहाँ बनेगा, बॉटम कहाँ बनेगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, गलत होगा, सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि ये गलत होगा। लेकिन यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि यदि निफ्टी ने टॉप मारना है 20,000 का, तो हम 20,000 पे उसको बेचें, जरूरी नहीं है। यदि हम उसको 19,500, 19,800 के आसपास भी बेचते हैं, तो भी वो एक अच्छी रिसर्च कही जाएगी, एक अच्छा डिसीजन कहा जाएगा। तो एग्जैक्टली आप टॉप पे नहीं बेच पाएंगे, बट स्टिल यदि आप उसके आसपास भी कर पाए, तो भी आप बहुत पैसा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और यदि आप ऐसा कर पाए, तो लाइफ लॉन्ग आप इससे पैसा बना पाएंगे। बट इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको पेशेंस बना के रखना होगा, आपको पेशेंट रहना होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो हाईज और लोज बनते हैं, हम यहाँ पे हाईज और लोज डे की बात नहीं कर रहे हैं, वीक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाईज और लोज की बात कर रहे हैं, जो वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में जो टॉप और बॉटम बनता है उसकी बात कर रहे हैं, हम डेली वाले या वीकली वाले टॉप और बॉटम की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, यदि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट है उसको हम बेच सकते हैं। यदि हमको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो हम उसमें उस समय पे स्टार्ट कर सकते हैं, जब हमें पता लगे कि अब बॉटम बन गया है और यहाँ से मार्केट जो है अब रिवर्स होने वाली है। तो आइए बहुत ही सिंपल तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हम इंट्राडे करते हैं, चीज़ों को हम माइक्रो लेवल पे देखते हैं। माइक्रो मतलब कि बहुत छोटे लेवल पे देखने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ कि आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, वहाँ से जब किसी सिटी को देखते हैं, ज़मीन की तरफ देखते हैं, तो आपको एक ब्रॉडर व्यू नज़र आता है। स्ट्रैटेजी को भी मैं यही कहूँगा कि एक हेलीकॉप्टर व्यू में आपको चीज़ों को देखना है, एक ब्रॉड व्यू में आपको चीज़ों को देखना है, तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर समझ में आने लगेगी कि जो निफ्टी है वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने कुछ चीज़ें मार्क कर दी हैं ताकि आपका समय जो है वेस्ट ना हो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये जो निफ्टी है, मैंने ये मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट को खोल लिया है। ठीक है, ये मंथली चार्ट को मैंने, मंथली टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट को खोल लिया है। ये 90 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो 96 के बाद का है, तो मैं 2000 से ही इस डेटा को लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए, ये निफ्टी ने यहाँ पे लगभग यहाँ पे एक बॉटम बनाया है। ये बॉटम जो बनाया मैंने इसे मार्क कर दिया है, 2003 में बनाया है। लगभग निफ्टी जो था अप्रोक्सीमेटली 900 के आसपास था, यहाँ से ये चढ़ना शुरू किया, चढ़ना शुरू किया। और जो टॉप बनाया है, ये बना है लगभग, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फरवरी 2008 में 6,400 में, निफ्टी जो है 6,400 का था, वहाँ पे टॉप बना। फिर नीचे आया, फिर 2008 अक्टूबर में 2300 का बॉटम बना, फिर ऊपर गया नवंबर 2010 में 6,300 का टॉप बना, वहाँ से 4,600 का बॉटम बना दिसंबर 2011 में, फिर 9,100 का टॉप बना, ये बना मार्च 2015 में। फिर निफ्टी नीचे आया, 7,000 के लेवल के आसपास आया फरवरी 2016 में, फिर ये ऊपर गया लगभग 12,400 जनवरी 2020 में, और फिर आया कोविड का टाइम, मार्केट आ गई लगभग 7,500 पे, और ये था मार्च 2020 का टाइम। फिर यहाँ से अब रिसेंटली जो है एक न्यू हाई क्रिएट हो गया है 18,800 के आसपास का, जो कि बना है दिसंबर 2022 में। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे फिगर हो सकती है। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि जब हमें रिसर्च करनी है
टॉप और बॉटम की, तो हमें वहाँ पे मार्किंग करनी पड़ेगी कि वहाँ पे निफ्टी जो था कहाँ पे था, टॉप और बॉटम पे निफ्टी इंडेक्स की वैल्यू जो थी वो क्या थी। ठीक है, अब हमने मार्क कर लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे ये हमारी जो है निफ्टी एनएससी इंडिया, ठीक है, एनएससी इंडिया की वेबसाइट है, इसमें हम क्या करेंगे, आप इसमें जाइए और मैं आपको, आप यदि चाहें तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। निफ्टी पी रेशो एनएससी इंडिया मैंने डाल दिया, आप एंटर मारिए, ये साइट खुल जाएगी, इस पर क्लिक कीजिए। आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे जो हिस्टोरिकल डेटा है वहाँ पे आप पी 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 सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे इक्विटी, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप निफ्टी 50, यहाँ से आप टाइम फ्रेम इसको पहले अनचेक कर दीजिए, हमें केवल पी चाहिए, पी रेशो चाहिए हमें केवल। यहाँ पे हमने मार्क किया 96 कर दिया, ओके, और यहाँ पे 96 में भी हमने जनवरी 1 से लेके करंट का निकाल लिया, दिसंबर 5 तक का, इसको सबमिट कर दिया। डेटा ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, जब तक हम ये समझ लेते हैं, जब तक डेटा डाउनलोड होता है कि पी रेशो हम क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा आ गया है सारा, इसको हम यहाँ से डाउनलोड मान लेंगे। ठीक है, ये डाउनलोड डेटा ऑलरेडी हो चुका है, सारा डेटा जो है डाउनलोड हो गया है। अब पी रेशो क्या होता है, देखिए ये जो वीडियो है पी रेशो के लिए नहीं बनाई गई है, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पी रेशो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी कि ये दिखाता है कोई स्टॉक महंगा है, पी रेशो अगर ज़्यादा होगा तो स्टॉक यानी कि थोड़ा महंगा है, पी रेशो कम होगा तो स्टॉक यानी कि सस्ता है। ठीक है, तो ये शेयर का प्राइस टू अर्निंग यानी कि एक रिलेशन दिखाता है शेयर प्राइस का उसकी अर्निंग से, ये अर्निंग होता है अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो जैसे कि इंडिविजुअल शेयर का पीई होता है, उसी तरीके से निफ्टी 50 का भी पीई होता है, जो कंबाइंड 50 शेयर्स के लिए पूरे 50 शेयर्स का मिलाकर निकाला जाता है। बस इतना ही जानना यहाँ पे काफ़ी है, डिटेल में इसे कभी और समझेंगे, मैंने इसके वीडियो भी बना रखे, आप उसे भी देख सकते हैं, बट इसे डिटेल में यहाँ पर नहीं समझेंगे। अब हमारे यहाँ हमारे पास ये सारा डेटा आ गया, ठीक है जी, ये हमारे पास डेटा आ गया, पूरा डेटा आ गया पीई रेशो का। लेकिन अब हमें ये जो पूरा डेटा है, हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें केवल कौन सा डेटा चाहिए, जो हमने मार्क करी है डेट्स, उस डेट पे पी रेशो क्या था, हमें केवल वही डेटा चाहिए। तो मैंने क्या करा है, ये जो है यहाँ पे मैंने इसे फिल्टर मारा और मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये जो डेट्स थी ये यही डेट्स हैं, देखिए आप यहाँ से, ठीक है, ये मई 2003, फरवरी 2008, अक्टूबर 2008, नवंबर 2010, फिर दिसंबर 2011, मार्च 15, फरवरी 16, जनवरी 2020, मार्च 2020 और दिसंबर 2022। तो ये हमने डेट्स ली, इसका हमने पी रेशो ले लिया कि इसमें पी रेशो क्या था, अप्रोक्स ले लिया, क्योंकि ये मंथली कैंडल्स में हम देख रहे हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये जो हमने पी था यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, देखिए हमने पी को वहीं पे लिख दिया, 10, 23, 17, 25, 18, 24, 20, 28, 18 और 22। ठीक है, तो अब बेसिक लॉजिक ये है कि अगर हमें ये पता करना है कि टॉप और बॉटम पे क्या चीज़ हमें मदद करेगी पहचानने में, तो हम पी रेशो की मदद से उसे पहचानने की कोशिश करेंगे, पी रेशो की मदद से उसे पहचानने की कोशिश हम करेंगे। और पी रेशो हमेशा काम करता है, क्योंकि शेयर का प्राइस तभी बढ़ता है जब उसकी अर्निंग बढ़े, तो ये रिलेशन में चलता है, तो ये इन रिलेशन टू अर्निंग ही चलता है, जिसकी वजह से हमारा शेयर प्राइस जो है फ्यूचर में बढ़ता भी है। तो यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखिए जो पहला लो बना, यहाँ से अगर हम देखते हैं जो पहला लो बना वो उस वक्त जो पी रेशो था 10 का था, फिर हाई बना तो 23 का हुआ, फिर लो बना तो 17 का बना, फिर हाई बना तो 25 का, फिर लो बना तो 18 का, फिर हाई बना 24 का, फिर लो बना 20 का, फिर हाई बना 28 का, फिर लो बना 18 का, फिर हाई बना 22 का। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे
ये डेटा अलग निकाल लिया। अब हमने क्या किया, इसको मैं यहाँ से दोबारा से कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका सारा मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूँ। एवरेज निकालने के लिए हमने क्या वंस, और ये हमने एवरेज यानी एवरेज देखा जाए तो कितना है, 21 के आसपास एवरेज है। अब हम इसका मैक्स निकाल लेते हैं, इसमें से सबसे बड़ी फिगर कौन सी है वो भी निकाल लेते हैं, एनालिसिस में हेल्प करेगा। मिनिमम भी निकाल लेते हैं, इक्वल्स मिनिमम छोटे वो मिनिमम गलत ले लिया मुझे लग रहा है, हमने B1 से लेना था। ये भी B1 से लेना, तो ये हमारा जो है मिनिमम 10 आ गया, मैक्स हमारा 28 आ गया। तो यदि हम इस डेटा को देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जब 10 के आसपास आ जाता है मिनिमम पी रेशो तो वहां पे हमें लॉन्ग करना है, और जब मैक्सिमम 28 के आसपास आ जाता है तो वहां से हमें शॉर्ट करना है। एक चीज तो यहां से हमें ये क्लियर हो गई, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने स्टडी किया है, जब कोई डेटा बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी जो रेलेवेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम इसको और रेलेवेंट बनाने के लिए, डेटा को रेलेवेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इतना पुराना ना लेके डेटा को, हम इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, यानी 2011 से हम ले लेते हैं, 11 साल का डेटा हमारे पास हो जाएगा। तो 11 साल का डेटा सेम हमने एवरेज निकाल लिया, मैक्स निकाल लिया और मिनिमम निकाल लिया, तो मैक्स हमारा 28 आया और मिनिमम हमारा 27 आया। ये डेटा भी हमारा वैलिड है, ठीक है, इसको भी हम कंसीडर करेंगे और इसको भी कंसीडर करेंगे। बट मैं ये कहना चाहूँगा जो मोस्ट रिसेंट डेटा होता है, जिस तरीके से हम सपोर्टिंग रजिस्टर्स निकालते हैं तो उसमें जो प्रायोरिटी देते हैं वो मोस्ट रिसेंट को देते हैं, तो उसी तरीके से हम इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे जो हमारा रिसेंट पी रेशियो का हाई एंड लो है। अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, देखिए अब हम कैसे टॉप में बेचेंगे, कैसे बॉटम पे खरीदेंगे। अब जब कोविड के टाइम पे आप देखेंगे ये निफ्टी जो था 7500 पे आया, वहाँ पे पी रेशो आ गया 18 पे आ गया। अब हमें नहीं पता, हो सकता है ये पी रेशो जो है 18 से और नीचे चले जाए, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा जाए तो 17 भी हमने देखा है, हमने 10 भी देखा है, लेकिन मैं जो ये 10 का पी रेशो है इसे एक्सेप्शन मानूंगा क्योंकि बहुत पुराना है ये, जो 10 का पी रेशो है लो में बहुत पुराना है। तो यदि हम 10 वाले पी रेशो को छोड़ दें तो उसके बाद जो पी रेशो देखते हैं 17, 18, 20, यानी कि 17 के आसपास ये हो जाता है कि यार अब यहाँ से जो है ये रिवर्स मार सकता है। तो जैसे ही 18 का यहाँ पे आया तो आप यहाँ पे अपना 60% 70% पैसा आप यहाँ पे अपना लगा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही पी रेशो हमारा 18-17 के आसपास आया आप 60-70% पैसा वहाँ पे आराम से आंखें बंद करके लगा सकते हैं। अगर वो और नीचे गया तो वहाँ पे बाकी मान लीजिए 15 पे चले गया तो अब बाकी का पैसा जो है पी रेशो 15 का है वहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक्सेप्शन के लिए हमने जगह वहाँ पे दे दी, ठीक है। अब ये तो हमने बात करी कि हम बॉटम पे कैसे खरीदें निफ्टी को, क्लियर है, यहाँ पे क्लियर हो गया। एक पार्ट में ना लगा के हमें पैसा जो है दो पार्ट में लगाना है। पहला पैसा हम लगाएंगे 17 या 18 जब पी रेशियो का, दूसरा पैसा लगाएंगे 15 के आसपास का। 15 हमने एक्सेप्शन मान लिया, 60-70% पैसा हमने 17-18 पे ही लगा दिया। अब इसको सेल कब करना है, अब हम सेल के लिए जब देखते हैं कि पी रेशियो कहाँ कहाँ से वो रिवर्स हुआ है, 23 से, 25 से, 24 से, 28 से, मैक्स जो है 28 तक गया है, अभी चल रहा है 22, तो हम ये मान सकते हैं कि चलो मान लिया दोबारा से 28 का हाई मारेगा। तो जैसे ही 28 आता है वहाँ पे हम 60-70% सेम पैसा वहाँ पे हम खींच सकते हैं या वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 70% पैसा लगा के। आप पे इन्वेस्टमेंट है तो आप वहाँ पे 70% अपना वहाँ पे सेल कर सकते हैं, बाकी का एक्सेप्शन के लिए आप जगह छोड़ सकते हैं 20-30%, ठीक है। बट यहाँ पे आप सोचेंगे कि
बाईस से भी तो ये रिवर्स हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल चांस है, बाईस से भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकली हम देखें तो हाई जब बनता है, देखिए 23 पे बना है, 25 पे बना है, 24 पे बना है, और आपको थोड़ा सा करंट सिनेरियो भी देखना है। FIIs ने भी बाइंग शुरू करी है, पहले उन्होंने काफ़ी माल अपना जो है बेच चुके हैं, वो आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में उन्होंने खरीदारी वापस करी है। तो यहाँ पे ये एक मेरा एक वो बन रहा है एनालिसिस कि यहाँ पे ये ऊपर जा सकता है, तो 22 के बदले अब यहाँ पे ये बढ़ के 28 को टारगेट करेगा या 25-26 को टारगेट करेगा पी, ठीक है। क्योंकि आप ये एक अलग वीडियो बन सकते हैं, FIIs की बाइंग और निफ्टी का कोरिलेशन जब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे जब भी FIIs बाइंग स्टार्ट करते हैं तो निफ्टी बहुत अच्छा मूवमेंट देती है। तो FIIs ने भी बाइंग स्टार्ट करी है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो पी है ये 22 से बढ़कर 26, 25, 26 या 28 तक जा सकता है, तो वहाँ पे हम अपनी सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे। हमें दो पार्ट में करनी है, आप और सेव करना चाहते हो तो आप इसे तीन पार्ट में कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा खेलना चाह रहे हैं, अग्रेसिव खेलना चाह रहे हैं या थोड़ा मॉडरेट खेलना चाह रहे हैं, ठीक है गाइज। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बहुत सिंपल तरीके से मैंने वीडियो बनाई है, इसको आपको ब्रॉडर व्यू में देखना है, जिस तरह से मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर व्यू में आपको चीज़ों को देखना है। जब आप ऊपर से चीज़ों को देखते हैं, अभी जो चार्ट मैंने मंथली लगाया, जब इसे मैं ऊपर से देखता हूँ तो मुझे क्लियर पता लगता है। वैसे आप जब डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं होता कि कहाँ पे मुझे निफ्टी का टॉप बनने वाला है, कहाँ पे निफ्टी का बॉटम बनने वाला है। जब कोविड का टाइम आया था तो किसी को नहीं पता था कि बॉटम कहाँ बनेगा, लेकिन अगर हमने इस तरीके से चार्ट को स्टडी किया होता विद रिस्पेक्ट टू पी रेशो, तो कहीं ना कहीं हमें इंट्यूशन हो जाता कि पहले 18 पे एक बार, 17 या 18 पे एक बार बॉटम बना था पी रेशो पे, तो हो सकता है कि 17 या 18 पे दोबारा से ये बॉटम बन जाए और यहाँ पे आप एक रिवर्स ट्रेड स्टार्ट कर सकते थे। आप यदि सीजनड ट्रेडर हैं तब भी आपके लिए यूजफुल है, यदि आप शेयर मार्केट में नए नए आए हैं तो भी आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है, ये आपको पैसा बनाने में बहुत मदद करेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो, ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और इससे आपकी बहुत मदद शेयर मार्केट में पैसा कमाने में होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।